मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। अब तक हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं और अभी भी कई लोगों के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के साथ साथ अब एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण यह हादसा हुआ। वहीं हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिसकर्मी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है और साथ ही कुछ घायल लोगों को भी टीम ने बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो भरभराकर ये 3 मंजिला मकान नीचे गिर गया था और अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की खबर है। देखिए, यहाँ जाकिर कॉलोनी में एक G+2 करके एक घर था, 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और इसमें जो 14 जो बताया गया फैमिली की तरफ से कि 14 लोग थे, 3 लोग शुरू में ही निकाल लिए गए, निकल गए, और बाकी के जो 11 लोग थे उनमें से 5 लोग निकाले जा चुके हैं और बाकी के अभी 6 लोग अंदर हैं, जिसमें NDRF और SDRF दोनों अमरोहा से भी सहारनपुर से भी यहाँ पर कार्यरत हैं और पर्याप्त पुलिस बल और मशीनरीज डिप्लॉय की गई है। जो हमारे 5 और 3 पहले 8 लोग रेस्क्यू हुए हैं उनमें से 3 लोग की डेथ हुई है और बाकी लोग अभी ठीक हैं, और इसके अलावा बाकी 6 काम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। तो अभी प्रायोरिटी यही है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और बाकी मेडिकल कॉलेज और सारी फैसिलिटीज़ को अलर्ट किया गया है कि उपचार तुरंत और जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से हो। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी बहराइच पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भेड़िए के हमले से घायल हुए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। जो लोग घायल हो गए थे उनसे मिलेंगे और बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 5 भेड़िए जिनको पकड़ा गया है और अभी भी टीम को कई भेड़िए की तलाश है। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है, लेकिन ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, जो कि दुर्भाग्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जहां साधु संतों ने स्वागत किया, तो वहीं ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं और वकील से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था सुनिए। फिलहाल ज्ञानवापी का मसला इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया था और तब उन्होंने कहा था कि जिसकी आंखें हैं वो देख सकता है, दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि वो मंदिर है और अगर वो मस्जिद है तो उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ये कहना कि दुर्भाग्य से वह ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है लेकिन है साक्षात विश्वनाथ, यह वास्तव में जो कहे यह एक सराहनीय है। यह जब चीनी यात्री ह्वेनसांग हो या जितने भी विदेशी यात्री हो, पर्यटक हो, गजेटियर हो, सब के सब ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेकों बार हमारे विश्वनाथ मंदिर का आराध्य स्थल को तोड़ा गया, पुनः निर्माण किया, सतत संघर्ष के बाद पुनः निर्माण होता रहा और मंदिर का निर्माण होता रहा और पुनः 1940 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं। यह 84 में पहली बार हो रहा था कि पश्चिमी भाग में चूना पोता गया था, उसमें हम पहुंच गए, उसमें विश्व हिंदू परिषद सह मंत्री हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विश्वनाथ मंदिर है, बहुत ही सराहनीय है जी। हम लोग का जोश भी दुगना हो जाता है। देखिए, बहुत से मुख्यमंत्री बने लेकिन खुल के जितना हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, सत्य पे जितना वो बोलते हैं उतना कोई नहीं बोल पाता है। उन्होंने सत्य कहा है और खुल के बोला है। जैसे एक होता है, बहुत लोग राजनीति करते हैं और खुल के नहीं बोलते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन वो खुल के साफ साफ बोल रहे हैं कि मंदिर था और बहुत ही सराहनीय। हम लोग को मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि उन्होंने सत्य जो है सही बात है। अब बताइए कौन सा नंदी जो है
है, कौन से मस्जिद के सामने नंदी रहते हैं, पश्चिमी दीवार को देख लीजिए। तो एसआई जांच में भी ये आ गया है, रिपोर्ट आ गया है कि मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही, मैं उनका स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस भारत के पहले राजनीतिज्ञ हैं, कहा जाए कि भाई चूँकि सन्यासी हैं और सौभाग्य से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, वो जज्बा दिखाना, नहीं तो आज तक किसी ने जज्बा नहीं दिखाया है इस पूरे भारत की राजनीति में कि सत्य को कहे, लोग मंदिर को मस्जिद कहने लगते हैं। ये निराकार मस्जिद इस्लाम जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, उनके लिए मूर्ति पूजा, बुत पूजा, ये बुत परस्ती, ये सब हराम है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर एम्बुलेंस में महिला से छेड़छाड़ और पति की मौत मामले में एसपी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली गई और सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय के साथ हर तरह की आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया गया है। कन्नौज में प्राकृतिक आपदा प्रभावित गांवों के दौरे पर निकले मंत्री असीम अरुण ने प्रशासनिक अफसर और लेखपाल को फटकार लगाई। लापरवाही पर अफसरों को फटकार लगाने का वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि चार दिन पहले आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी, चार दिन बाद भी इन गांवों में कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ। इसकी शिकायत गांव वालों ने की थी, जहां की बदहाली देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया और बीडीओ लेखपाल को फटकार लगाई। नहीं, आप अगली तारीख में आए, उस तारीख में क्यों नहीं आए? इन्फॉर्मेशन आपको कोई देगा? आपको इन्फॉर्मेशन देना है, प्राकृतिक आपदा की जिम्मेदारी हैंडल करने की आपकी है। चले भी तुम्हारी सब दिखाओगे मुरैया में, तो फिर क्यों फालतू वाली बात? चलो सही सही बताओ, गलती कर रहे हो फिर झूठ बोल के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो ना। ठीक सर, आपका क्या कंट्रोल है अपने लेखपाल के ऊपर जो क्षेत्र में रहते नहीं है? प्राकृतिक आपदा होती है, आप लोग 24 घंटे बाद आते हैं, 24 घंटे बाद आ रहे हैं तो फिर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो देखो, मानवीय संवेदनशीलता रखो, ठीक? आप राजा नहीं है, हम प्रजा नहीं है, आपको एक सेवा दी गई है, आप वो हमको सेवा दीजिए। आप मालिक नहीं है, बात समझिएगा, आप एक प्रशासनिक सेवा में है, अपनी प्रशासनिक सेवाएं हमको दीजिए, ये आपका काम है। जालौर में नदियों ने रौद्र रूप रख लिया है। कालपी क्षेत्र में निकलने वाली यमुना नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाके जो हैं वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ राहत कैंप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। प्रयागराज में मध्य प्रदेश के रीवा से अस्थि विसर्जन के लिए आए लड़के का पैर बाढ़ के पानी में टूटी पुलिया में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद में अब उसका पैर बाहर जब नहीं निकल पाया, तब लोगों ने पुलिस और जल पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद में जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा और जेसीबी मशीन से पुलिया का एक हिस्सा तोड़ा गया, तब कहीं जाकर लड़के का पैर बाहर निकला। पीलीभीत में बाढ़ एक बार फिर से कहर ढा रही है। माधु तांडा थाना क्षेत्र में सिमरा गांव में शारदा नदी पर टापू पर लोग फंस गए और ये लोग वहां भैंस चराने के लिए गए थे, तभी अचानक पानी बढ़ गया और ये लोग टापू में फंस गए। सुबह इसकी जानकारी 112 पर दी गई। पीएसी की फ्लड यूनिट टीम के साथ में पुलिस भी मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रयागराज में स्कॉर्पियो की बोनट खोलने पर अजगर निकलने का मामला सामने आया और इससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मैकेनिक इमरान ने स्कॉर्पियो गाड़ी की मरम्मत के लिए बोनट खोली थी तो अजगर निकल आया। बाद में मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया। सिविल लाइन्स के होटल अजय इंटरनेशनल के सामने स्थित गैराज का मामला है। कुशीनगर में एक जिंदा व्यक्ति अपने आप को कागजों में जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद करता रहा। सरकारी कर्मचारी ने बुजुर्ग को कागजों में मृत घोषित कर दिया। मामला खड्डा विकासखंड के
सोहरोना गांव का है। बुजुर्ग जगदीश को गांव के सचिव ने सरकारी कागजों में मुर्दा घोषित कर दिया था। अपने आप को कागजों में जिंदा साबित करने के लिए जगदीश अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वृद्धा पेंशन जाने खातिर गई तो उन्हें दिखाया गया कि जांच करने पर मृत्यु पाया गया। अभी आप तो जिंदा वही ना बोल रहे हैं, नाम जगदीश गिरी है। आप जिंदा हैं? जिंदा है। कौन से महीने में आपको मृत दिखा दिया अधिकारी? 8वां महीना में 8 तारीख है। इसके पहले पेंशन मिलता था? हाँ, तब से कहीं पहले से कब से कटा गया। बाराबंकी में पुलिस ने रिच डायमंड इंडिया नाम की फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया, जिसने लोगों से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने इस मामले में 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पासबुक, डायरी और कंप्यूटर सेट बरामद किया। इन लोगों ने साल 2021 से अब तक करीब 1200 से 1300 लोगों के खाते खुलवाए थे। बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद में दो दुकानदारों में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामला चांदपुर थाने इलाके का है, जहां पर वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। मारपीट में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए। दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। और संभल में कार सवारों की दबंगई देखने को मिली है। नामकरण संस्कार मना रहे दो लड़कों को कार में लटका कार सवार ले गए और मारपीट के बाद में गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मामले में पुलिस से शिकायत की गई। घटना गांव गुमथल की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।